खालिद भाई हाँ यार, अंडे को छोड़ो, इसका ऑमलेट बना लेते हैं। मैं तेरा ना बनाऊं ऑमलेट है? तो ये देखें अख्तर भाई अब डालने लगे हैं, तो अल्लाह खैर ही करे। वो देखो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो गाइस आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो गाइस आज जो है ना आप लोगों के बहुत प्यारा सा ना सरप्राइज मैं लेकर आया हूँ, और मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, मैं दो खूबसूरत से ना जानवर लेकर आये, देखें कितने प्यारे प्यारे से जानवर हैं। ये देखें दोस्तों, ओए खालिद भाई, हाँ जी है ना प्यारे। वो देखो हमारी कैटो का बच्चा क्या, वो देखो भाई, जू में लेके जाना। नहीं यार नहीं, ये हमने जू में नहीं लेके जाना, ये गाइस हमने ना इसको जिबा करना है कल सुबह, क्योंकि आपको पता है मेरी शॉप है, तो शॉप के लिए मैंने लिए, बहुत प्यारे प्यारे थे, मैं इसलिए घर ले आया। हाँ भाई कैटो, दूध पी लिया सारा? थोड़ा सा रह गया, जल्दी जल्दी पी लो। शाबाश जल्दी पियो पियो, हाँ पी लो। खालिद भाई क्या कर रहे हो यार? मैंने कहा वो दूध पी रही थी ना, उसको दूध पी लें। अच्छा इनको जू में ले चले फिर? नहीं नहीं यार, इनको जू में नहीं लेके जाना, इनको हमने जिबा करने के लिए लेकर आए। खैर है आपको, ये जिबा इतने प्यारे बकरे कहाँ होते हैं? कोई बात नहीं, प्यारे प्यारे भी जिबा हो जाते हैं, खाने के लिए आप बकरे जिबा करते हैं। हाँ नहीं नहीं अभी रहने दो इनको, फिर कोई अच्छे से लाएंगे ना जानवर, फिर वहाँ लेके जाएंगे। हाँ भाई फाद इनको छोड़ो, मैं आपको ना एक और अच्छा सा सरप्राइज देता हूँ। आप इन्हें जिबा कर दोगे, मुझे अभी से दुख हो रहा है यार। कोई बात नहीं, ये हलाल चीज है ना, तो हलाल चीज होती है जिबा करने के लिए। यार है आप कोई, हम इनसे भी प्यारे प्यारे और इससे भी प्यारे लेकर आएंगे, आप देख रहे हैं। लंगड़ा काट ले, वैसे एक चीज है दोस्तों, है बहुत प्यारे, ये बात मानने वाली। ये देखे इसकी आंखें, देखे इसके होंठ, देखे कितना प्यारा ये वाला जानवर, ये देखे। मगर कोई बात नहीं, मैं आपको ना एक सरप्राइज देता हूँ फाद, आओ। मैं आप पे सरप्राइज ही दीजिए। हाँ बस मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ बहुत डेंजरस एनिमल्स हैं। दोस्तों हम ना इस टाइम न्यू जू में आ गए हैं, और यहाँ पर ना एक बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ भाई फाद, ये खालिद भाई डेंजरस एनिमल कहाँ है? वो डेंजरस एनिमल भी दिखाता हूँ, मगर जो यहाँ हम काम करने आए ना वो ज्यादा जरूरी था यार, पहले मैंने वो देखना था। वैसे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मगर असल बात ना क्या है, ये देखो ये जो छत है ना, ये सारी की सारी इसकी आपने भी करनी है सारी की सारी पैमाइश। अच्छा, क्योंकि हम मुझे मिस्त्री बनाना? नहीं नहीं, हमने मिस्त्री को पैमाइश देनी है इस जगह की। अच्छा, क्योंकि गाइस जो हमने कल पैरेट देखे थे ना, वो सारे के सारे मैंने ना खरीद लिए हैं, और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ना वो यहाँ पर फाद सारे आ जाएंगे। सच में? हाँ बस आप ये जल्दी जल्दी केज वाला काम शुरू करवाओ, और बस फिर हम करवाते हैं इधर केज वाला काम, और फिर पैरेट्स इधर। हाँ इंशाल्लाह। और गाइस हमने ना असल में ये भी देखना था, जो हम उस दिन इतने पिजन यहाँ छोड़ के गए हैं ना, उनकी भी सुलह हुई है या नहीं हुई, कहीं वो लड़ तो नहीं रहे। तो ये देखे मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ भाई, तो ये देखे दोस्तों, ये हमारे पिजन जो तीनों है ना नीचे हैं, और ये सारे ऊपर हैं। यार मुझे लगता है इनकी सुलह नहीं हुई, नहीं हुई मुझे लगता है, ये इनकी सुलह नहीं हुई। चलो इनको ये देखो पकड़ के, वो देखो सारे, ओहो देखो वो आ रहा है नीचे, आ रहा है हो रही है, वो देखो लड़ाई हो रही है। नहीं भाई नहीं, इनकी सुलह नहीं हुई, लड़ रहे हैं, वो देखो चढ़ के ऊपर चढ़ा गया। ये देखें इधर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो ये देखें मुर्गा जो है ना सारी मुर्गियों को मार रहा है, ये तो क्या बात हुई यार। देखो पकड़ के जिबा कर देता हूँ मैं ये। ओ नहीं, पहले एक ही मुर्गा है, कोई मुर्गा है ही नहीं, सारी मुर्गी हैं, मगर पता नहीं लड़ क्यों रहा है। वो देखो लड़ रहा है। गाइस मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैंने एक ऐसा काम किया है, ये देखें ये मेरे हाथ में ना टोकरी है, तो मैं आप बताऊँ क्या करने लगा है फाद, पता है मैं क्या करने लगा हूँ? क्या करने लगा? जो हमारे वो अंडे है ना, मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ, ये पकड़ो अंडे। हाँ वो कौन से अंडे? ये जो हमारे मोर और मोरनी ने अंडे दिए हैं ना, इनकी शादी करा दी है? ओ, नहीं इनकी शादी मैंने करा दी, उनकी शादी के सिलसिले में अंडे भी आ गए हैं। शादी के बगैर अंडे आ गए? नहीं नहीं, शादी हुई पड़ी है इनकी। अच्छा, वो देखो अंदर है दोनों, तो वो जो अंडे ना इसके अंदर पैक करो, हमारे पास दोस्तों जो मशीन है ना, हम मशीन में जाके रखेंगे, फिर इनके बच्चे जल्दी आ जाएंगे। फिर तो ठीक है, ठीक है ना, डालते हैं। अब डालो बात, चलो अब ये ना अंडे इसके अंदर रखो टोकरी के अंदर। ओ भाई उस सर उधर है। हाँ क्या हुआ खालिद भाई? अंडे जो है ना इस तरह ना रखेंगे, टूट जाएंगे और अंडे खराब हो जाएंगे। नहीं हम तो इस टोकरी में रखने ना, ये देखो पहले मैं आपको वो रख के देता हूँ, फिर इसके अंदर अंडे रखेंगे। क्या रख के देते हो? क्या इधर लाए, आ जाए। क्या करने लगे हैं? तो गाइस ये पता नहीं भाई क्या करने लगे हैं यार, मैं अच्छे से अंडे उठा गया था यार, मैं ऐसे उठा लिया। ओ नहीं नहीं, वो कह रहे हैं अंडे टूट जाएंगे, वो कुछ करने लगे हैं, तो देखते हैं दोस्तों ये क्या करने लगे हैं। भाई क्या करने लगे यार, एक मिनट मुझे तो पहले बताओ, क्या करने लगे हो? ये अखबार है? ये अखबार है। अच्छा, और मैंने इसके अंदर, अच्छा अच्छा समझ लग गई, ठीक है ये तरीका सही है फास्ट। भाई ने रेडी कर दिया, और यार इतनी सारी डाल दी है, वो तो अंडे गिर जाएंगे सारे। मैं सेट करके देता हूँ। अच्छा चलो देखते हैं, जबकि मेरा जो अंदाजा है ना, ये अंडे गिर जाएंगे, ये थोड़ी सी डाल देता ना तो वो सही रहता।
मगर ये कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हो? कहाँ घूमते हैं हम आपको, कब से ढूंढ रहे हैं? बस वो हम एक जगह पे जाना था हमने, तो बस वो फाद की वजह से हम लेट हो गए। मेरी वजह, हर जगह पे मेरा भाई यार, हर जगह पे आप मेरा इल्जाम लगाते हैं यार। मैं इंतजार कर रहा था ना घर, इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा था। तो ये देखें अख्तर भाई अब डालने लगे हैं, तो अल्लाह खैर ही करे। वो देखो मोर ने अटैक कर दिया। ओ भाई मोर वो हो गया, गुस्से में आ गया मोर। और भाई हम आपके अंडे लेके जा रहे हैं तो ये गुस्सा कर रहा है फाद, देखा ना यार। ओ नहीं भाई नहीं, पकड़ो इसको, इसको पकड़ो यार। ये देखेंगे पहला अंडा रख दिया भाई, वहाँ भाई वहाँ। वो देखो फिर मार अटैक कर रहा है यार मोर तो। यार हमें कुछ कहेगा? वो देखो कुछ कहेगा तो नहीं यार, इसके अंडे लेके जा रहे हैं। वो देखो अटैक कर रहा है अख्तर भाई यार, ये तो बड़ी कमाल की सजावट है। हाँ ये ओ टूट गया, वो देखो बस एक अंडा टूट गया है। तो दोस्तों ये देखे अख्तर भाई ने एक अंडा तोड़ दिया है, तो बस मैंने कह भी रहा था ये थोड़ी थोड़ी कम कर लो आप, ये जो है ना किस्मत में नहीं था। तो ये देखे दोस्तों ये वाला जो अंडा है ना ये टूट गया, ये देखे बहुत अफसोस हुआ। बस अख्तर भाई ये सारा आपकी वजह से हुआ अंडा, मैं कह भी रहा था थोड़ी कम कर लो, आपने बात ही नहीं मानी। सजा देते हैं इसको, इसके साथ लटकाते हैं इसको, आपको ना मुर्गा बनना पड़ेगा। हाँ तो मैंने अख्तर भाई के लिए सजा सोच ली यार, इतना जबरदस्त हमारा अंडा था वो जाया हो गया। हाँ भाई सबको एक ही सजा देते हो, इसको मैं कहता हूँ रस्सी से बांध के फांसी दे देते। ओए नहीं नहीं इतनी जालिम सजा नहीं देनी है। मोर का अंडा यार कोई इसके अंदर बच्चों, वो देखो टांग भी निकली पड़ी है बाहर, मुझे लगता है उसने खुद तोड़ा है। वो देखो टांग बाहर आ रही है। तो ये देखे कोई सब्सक्राइबर भाई हमारे पास है, कह रहे मैंने व्लॉग में आना है। हाँ भाई आप लोग आ गए व्लॉग में, ये आपका दोस्त है? हाँ नहीं, मेरा दोस्त है। चलो बस आपका दोस्त भी आ गया व्लॉग में, खुश हो भैया? व्लॉग बहुत अच्छा देखते हैं। चलो ठीक है यार। गाइस खालिद भाई क्या हो गया? खालिद भाई को देखें, खालिद भाई जिंदा हो? अबे जिंदा क्या, मर गया हूँ मैं। ये देखो क्या हाल किया अख्तर ने, और उसे मैंने मुर्गा बनाया वो कहाँ चला गया? वो तो भाग गया, उसे मैंने इतना पकड़ा है वो निकल गया। तूने क्या, मैंने कहा भी था उसे पकड़ के रखना, उस पर नजर रख यार। वो इतना तेज है, वो शुरली की तरह निकल गया भाई। तू यहाँ क्या कर रहा है फिर? देख अंडा टूट गया गाइस, ये देखें आप, इतना प्यारा अंडा। छोड़ो आप चले, छोड़ो अंडा तो टूटना था, टूट गया यार। अब मेरा दिल नहीं कर रहा व्लॉग बनाने को, मैं नहीं बना रहा, जाओ तुम यार। गाइस खालिद भाई को देख रहे हैं फुल इस टाइम ना, ये देखें ये ओ बेहोश हो गया। खालिद भाई उठो। हुआ यार मेरा दिल नहीं कर रहा गाइस, मैंने समझा खालिद भाई बेहोश हो गया यार। देखे अंडा हाथ में लिपने, खालिद भाई यही अंडा आपके मुंह में घुसा दूंगा, उठ जाओ। आज रात को ख्वाब में आएंगे, इसके बच्चा आके मुझे कहेगा कि मुझे क्यों तोड़ा आपने, मेरा दिल टूट गया, उसने अंडा नहीं तोड़ा मेरा दिल। खालिद भाई आपको ले जाएगा वो, मैं तो कह रहा हूँ भाई चलो अभी भी इधर से इसकी रूह। तूने अच्छा नहीं किया, अंडा अख्तर को आने दे, उसको अंदर जू में नहीं घुसने देना। मैंने अख्तर को, अख्तर को तो भाई नहीं घुसने देना, आपने अंडा तोड़ दिया यार। मैंने कहा तोड़ा, अख्तर ने तोड़ा है, आपकी वजह से हुआ सारा कुछ। मेरी वजह से कैसे हुआ? मैंने आपको कहा भी था उसको सही तरह से पकड़ो, आपने उसको पकड़ा दिया यार। आपने कहा है वो सेटिंग कर रहे हैं यार, उसके बाद आप पकड़ लेते हैं अंडे, आपने रख लेते उसने यार। गाइस देख रहे हैं खालिद भाई सारा इल्जाम मुझ पे दी जा रहे हैं और फुल फुल सैड होए पड़े हैं इस टाइम। मुझे करो यार व्लॉग को बंद करो, बंद करो व्लॉग, नहीं बंद हो सकता यार व्लॉग, तो दिखाना है आप अंडे को, बंद करो अंडे, अंडे को सीने पे लेके पड़े हो। फाद अब तेरी सजा बताऊं क्या है, मैंने सोच ली हाँ ये अंडा तेरी वजह से टूटा है। अब मैं जो डेंजरस एनिमल से ना वो नहीं तुझे दिखाने जा रहा हूँ, मैं व्लॉग एंड करने लगा। मेरी वजह से कहाँ टूटे? नहीं, नहीं, पता है, मुझे सब सब ऑडियंस ने देखा है कि तेरी वजह से टूटा है, बस मैं एंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा ना दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा व्लॉग बनाने को, इतना प्यारा हमारा अंडा था ये फाद की वजह से टूट गया। वो तो चलो नया था ना अख्तर, उसे तो नहीं पता, मगर इसे तो सारा पता था ना, इसकी वजह से टूटा अंडा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल हैप्पी होम 46 को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। तो ये देखें गाइस क्या कहें अब इस अंडे को, ये देखें कितना सारा टूट गया। ये खालिद भाई हाँ यार अंडे को छोड़ो, इसका ऑमलेट बना लेते हैं। मैं तेरा ना बनाऊं ऑमलेट? हाँ।